नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और स्वागत है आपका पूर्वांचल बुलेटिन में और मैं हूं अभिलाष। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के शहर बहराइच से। उत्तर प्रदेश के शहर बहराइच शहर के एक प्राइमरी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब बेसिक शिक्षा मंत्री का काफिला उनके स्कूल में जा पहुंचा। अचानक स्कूल में मंत्री जी का काफिला देखने से वहां मौजूद टीचर सख्ते में आ गए। मंत्री जी एक क्लास में घुसते ही बच्चों की कमी को देखते हुए उन्होंने अफसोस जताया और जो बच्चे स्कूल परिसर से बाहर घूम रहे थे उन्हें बुलाकर उन्होंने पूछा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं आए, तो बच्चों ने बोला कि मैम गेहूं काटना था इसीलिए नहीं आए। क्या था पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। जनपद बहराइच में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने चित्तौरा ब्लॉक के बढ़ियन बाग के प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। वहां जो बात सामने आई वो दंग कर देने वाली थी। निरीक्षण के दौरान स्कूल में बच्चे कम पाए गए, जिसका कारण जब मंत्री जी ने पूछा तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि कुछ बच्चे आज गांव में शादी की वजह से नहीं आए हैं। मंत्री जी रूम से बाहर निकलते ही स्कूल परिसर के बाहर भीड़ इकट्ठा किए हुए छात्रों को अपने पास बुलाया और जब उनसे पूछा कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं आए तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। मंत्री जी ने यही सवाल दो और बच्चों से कहा और उनका जवाब भी लगभग यही रहा, जिसको सुनने के बाद मंत्री जी ने चिंता करते हुए वहां के टीचर को निर्देश दिया कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके घर जाकर उन्हें समझाएं और स्कूल भेजने की हिदायत दें। मंत्री जी ने जब वहां मौजूद प्रधानाध्यापक से पूछा कि आज मिड डे मील में क्या बना था तो उन्होंने बताया कि आलू टमाटर सोयाबीन और लौकी की सब्जी। वही जब दूसरे रूम में वो पहुंची तो जब टीचर से पूछा तो उन्होंने आलू टमाटर ही बताया। बताने में विरोधाभास हुआ तो मंत्री जी स्वयं किचन देखने पहुंच गई तो वहां देखा कि प्रधानाध्यापक द्वारा बताई गई बातें सही थी और जिसको लेकर मंत्री जी ने टीचर को फटकार भी लगाई और आगे से ऐसा न करने की हिदायत दी। दो अध्यापिकाएं यहां पे कार्यरत हैं, लेकिन सबसे जो असंतोष मुझे देखकर हुआ कि बच्चों की संख्या बहुत कम है और बाद में बच्चों को मैंने आसपास की जगहों से बुलवाया भी, बच्चे मेरे पास आए तो बताया कि गेहूं काटने गए थे। मैंने भी बच्चों से बात की है, उन्हें भी समझाने की कोशिश की है कि स्कूल आओ, पहला काम है आपका स्कूल आना, बाकी के काम बाद के हैं। और अध्यापिकाओं को भी निर्देश दिया है कि एक अध्यापिका क्लास में रहे और दूसरी अध्यापिका एक बार जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके घर जरूर जाकर पता करें कि बच्चा बीमार है या कोई और कारण है, और उनके माता पिता के साथ भी काउंसलिंग करें, बैठकर उन्हें समझाए कि स्कूल बच्चों के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, उनके सुरक्षित और सुंदर भविष्य के लिए है। तो मुझे ये देखकर नहीं अच्छा लगा कि बच्चों की संख्या कम है। बाकी ठीक है, मैंने उनसे इंग्लिश जो टीचर ने पढ़ाया था उसको पढ़ाने को कहा, थोड़ी बहुत कमियाँ हैं लेकिन फिर भी स्थिति ठीक ठाक है। मिड डे मील में ही दो क्लास के बच्चों ने अलग अलग बातें बताई, लेकिन जब मैंने किचन में जाकर देखा तो सब्जी बनी हुई थी आलू टमाटर और सोयाबीन की, और बाकी स्वच्छता का अभाव है। उन सब चीज़ों के लिए टीचर्स को मैंने निर्देश दिए हैं, वो काम ठीक। मंत्री जी, जिस टीचर ने बताया था कि आलू टमाटर की सब्जी बनी है तो यानी वो झूठ बोल रही थी? वो बताया मैडम ने कि वो गई नहीं थी खाने के लिए, देखने के लिए। तो मैंने कहा ना कि विरोधाभास तो था, लेकिन जब किचन में जाके देखा तो लगा कि नहीं, जो बता रही है वो मिड डे मील में खाना बनाता है। इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये ज़्यादा था कि वास्तव में जो बता रही है, जो खाना बच्चों को मिलना चाहिए, सोयाबीन बच्चों के लिए पौष्टिक है, सब्जियाँ मिलनी चाहिए, वो उन्हें मिली कि नहीं मिली। बाकी जिन टीचर ने गलत बोला है तो उनकी लापरवाही के लिए भी उन्हें दंड दिया जाएगा। बच्चे नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट। अब बात उत्तर प्रदेश के शहर सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने दहेज के लिए 4 महीने की दूध मुही मासूम बच्ची को गला दबाकर बड़ी बेरहमी से मार दिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव का है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने दहेज के लिए 4 महीने की दूध मुही मासूम बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दी। मामला सदर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव का है। इस गांव के रहने वाले अवधेश की शादी संगीता से 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही अवधेश और उसके परिवार के लोग संगीता से बार बार दहेज की मांग करते थे। इस बात को लेकर संगीता और अवधेश में आए दिन विवाद होता रहता था। आज अवधेश दारू के नशे में आया और संगीता से मारपीट करने लगा। इसी बीच नशे में चूर अवधेश ने अपनी दूध मुही बच्ची को जमीन पर पटक दिया और उसके गले पर पैर रखकर खड़ा हो गया। अपने कलेजे के टुकड़े को संगीता छोड़ने की विनती करती रही, लेकिन जालिम पति अवधेश ने उसकी एक न सुनी और अपनी ही बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। संगीता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी पिता अवधेश को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। बच्ची कैसे मारी है? हमारी बहनी के प्रति कचर कचर के मरल है गारा में। के मारी से? हमारे सास मरली, हमारे आदमी मरला और बाकी अब हमारे बुढ़वा और हमारे घर के जो देर और हमें पकड़ के अलग मारे थे।
शिकायत कहीं करू एक शिकायत हम एप्लीकेशन डाले रानी थाना नहीं आज कहीं करू कैसे आपके नाते बोलता है अभी भेजा तो जो गया तो गया कहता है अपने जाओ नहीं घर पे रहो जब साइकिल वकील मोटर साइकिल तुम देगा तो दहेज मांग रहे थे दहेज उल्टा फिर तो बच्ची को काय मारते कितना गंभीर मामला पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है पूरा मामला देखिए इसमें प्रथम दृष्टया जो बात आई थी उसमें ये पहले बताया गया कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ जिसमें या तो बच्ची गिर गई या उसको पटक दिया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिससे प्रतीत होता है कि उस बच्ची को पेट पे लात या किसी ऐसी हेवी चीज से मारा गया है और उसका फ्रैक्चर स्पाइन में आया है और उसका स्प्लीन भी फट गया है। तो इन परिस्थितियों में जो महिला है उनकी तरफ से तहरीर आई 498A का 304A का और 3/4 दहेज अधिनियम का मुकदमा हस्बैंड के विरुद्ध दर्ज किया गया और हस्बैंड को अरेस्ट भी कर लिया गया है। दूसरी बात वो शराब पीता था सर शराब ऐसा इस विषय पे कोई अभी ऐसा एविडेंस कलेक्ट नहीं हुआ है और जो भी साक्ष्य परक और सत्यता परक कार्रवाई होगी उसके अनुरूप कार्रवाई अग्रिम होगी। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। अब बात उत्तर प्रदेश के शहर मऊ से। मुख्यमंत्री योगी ने 15 जून तक प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का आदेश जारी किया है। ऐसे में मऊ जिले में तमाम सड़कें हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, जो निर्माण के बाद से ही गड्ढा मुक्त होने का रास्ता तलाश रही हैं। ऐसे में योगी के आदेश पर एक तरफ जहां जनता को भी विश्वास हुआ है तो वहीं अब सड़कों के भी दिन भरने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल मऊ जिले के सड़कों पर गड्ढा मुक्त कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों संग महिलाओं ने भी सड़क पर उतरकर इस बात की मांग उठाई कि सड़कों को जल्दी से जल्दी गड्ढा मुक्त कराया जाए। उन्होंने चक्का जाम कर सड़क को गड्ढा मुक्त कराने की मांग उठाई है। क्या है ये पूरा मामला आइए देखें इस रिपोर्ट में। दरअसल हम बात कोपागंज ब्लॉक के यूसुफाबाद गांव की कर रहे हैं जहां पर आवागमन के लिए सड़क का निर्माण हुआ लेकिन कुछ दिन बाद ही वो मार्ग पूरी तरह से ही गड्ढे में तब्दील हो गया। सड़क में गड्ढा या फिर गड्ढे में सड़क इसका भी अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल हो गया था। फिर योगी सरकार ने प्रदेश के सभी मार्गों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त कराने का फरमान जारी किया जिससे जनता में उम्मीद एक बार फिर से जगी और अच्छी सड़क पर चलने की चाह जगने लगी। फिलहाल अब देखना यह है कि 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाती हैं या नहीं। फिलहाल जिले के घोसी लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद ने भी सीएम योगी की सुर में सुर मिलाते हुए 15 जून तक मऊ जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की बात को कहा है। पूरे जिले के सभी सड़कों को संबंधित जो कि श्री योगी जी के आदेश लागू हो रहे हैं मैं सर्वे करवा रहा हूं। फिर आप लोगों को बताएंगे। यहां आप लोगों ने देखा जहाँ तक गड्ढा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त मऊ से ही शुरुआत होगी और मऊ ही इस प्रदेश में एक ऐसा जिला होगा कि आपको कहने का मौका मिलेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार मुक्त अगर डिस्ट्रिक्ट हुआ तो मऊ हुआ। जो फाइलें कूड़े में फेंकी गई थी क्या उसकी पुनः निकलवा के ये तो करवाएंगे? हाँ करवाएंगे। PWD का एक्शन चौरसिया भ्रष्टाचार इस जिले को मुक्त होने में यही बाधा पड़ रहा है। प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि ये सड़क की बढ़िया से मरम्मत हो जाए नए तरीके से सड़क बन जाए और बिजली की समस्या है। हम लोग योगी सरकार को जिताए हैं तो सोच रहे हैं कि वो हमारा काम अच्छे से करा दें ताकि आने वाली सरकार उन्हीं की बने। हम अपने गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क बनाने के लिए। सड़क कितनी हमारी खराब है कि यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना एम्बुलेंस सही समय से आ पाती है और यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम जैसे हो जाता है। एकदम गड्ढे की वजह से कोई गाड़ी नहीं मिल पाती। बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही सब आम समस्याएं हैं। 25 साल पुराना हो गया। नई सरकार आती है बनाने के लिए कहती है लेकिन बनता उनका नहीं है। थोड़ा मोड़ा मरम्मत करते हैं लोग तो वो भी मजबूती से कोई लाभ नहीं होता। वैसी का वैसी गड्ढा नजर आता है। अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितना बेकार रास्ता है। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। आज के पूर्वांचल बुलेटिन में केवल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स रिव्यूज एंड न्यूज़।